हेलो मेरे भाई बहन, क्या हाल चाल है। देखिए, एक यहाँ पर स्टूडेंट का सवाल आया है कि सर, आरआरबी एनटीपीसी सीबी 2 और बिहार एसआई का फिजिकल एक ही दिन है, क्या करें, गुरु जी हेल्प कीजिए। और ये रवि कुमार का यहाँ पर मैसेज है। तो देखिए, इसी का जवाब मैं देने का प्रयास करूँगा। और देखिए, यहाँ पर जवाब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिया जाएगा कि आप रेलवे में चले जाइए कि एनटीपीसी में चले जाइए। यहाँ पर बेसिकली क्या है कि प्रत्येक पहलू को बताया जाए, कैसे डिसीजन लिया जाता है। जैसे जब मैंने जॉब छोड़ा था तो किस आधार पर जॉब छोड़ा था, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। और साथ ही देखिए क्या है कि आप अभी क्या युवा हैं, मतलब जवान हैं, तो आपके पास क्या है, ऊर्जा भरपूर है, ऊर्जा भरपूर है, कुछ भी कर लीजिएगा बिना सोचे समझे भी। लेकिन आपके पास अनुभव क्या है, अनुभव बहुत ही कम है। तो आपको हमारे अनुभव से या सीनियर के अनुभव से क्या करना है, फायदा उठाना है। इस ऊर्जा के साथ क्या करना है, इसको जोड़ना है, तब जाके आप चमत्कार वगैरह कर सकते हैं। तो इसी को समझने वाले हैं। देखिए, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम जिस दिन है, उसी दिन क्या है, बिहार द्रोह का फिजिकल है। तो सबसे पहले क्या बोले कि इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में आंसर नहीं है कि आपको रेलवे में जाना चाहिए कि आपको बिहार दरोगा में जाना चाहिए। यहाँ पर हर एक पहलू पर हम विचार करते हैं। सबसे पहले क्या कि बेस्ट चीज़ क्या हो सकता है कि आप रेलवे का भी एग्जाम दे लीजिए और क्या है कि आप फिजिकल भी दे लीजिए। ये सबसे बेस्ट हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत मेहनत से तैयारी करता है और दोनों एग्जाम हो गया है। तो समानता क्या होता है कि दोनों जगह आपको मौका मिल जाता है, तो दोनों जगह संभावना बना रहता है। लेकिन अब क्या है कि आपके पास कहीं एक ही जगह जाने का अवसर है। और समानता लाइफ में ऐसा कई बार आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, या आपको इधर जाना है। कई बार ऐसा आपको निर्णय लेने की जरूरत पड़ सकता है। तो मान लेते क्या है कि आप शादी विवाह कर रहे हैं, शादी विवाह आपको होना है और आपके पास कई जगह से रिलेशन आ रहा है। समानता सबको चाहता है क्या कि लड़की सुंदर भी हो, है ना, सुशील भी हो, पढ़ा लिखल भी हो, गाय भी हो, सब तरह के आप चाहते हैं। लेकिन आपके पास जो आएगा उसके आधार पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे क्या है कि आपका सुंदर लड़की के पास रिलेशन आ रहा है तो समानता इसके साथ जाइएगा। लेकिन अब क्या है कि सुंदर जो आपके पास जो लड़की का रिलेशन आ रहा है, सब क्या है, थोड़ा दिमाग से क्या ढीला है, मतलब घर परिवार को सही से चलाने वाला नहीं है। और अगला क्या है कि कुछ रिलेशन आपको ऐसा रहा है जो साधारण लड़की है, पढ़ा लिखा भी थोड़ा कम है, साधारण है, लेकिन क्या है, समझदार है और घर परिवार को आपको चला सकता है बढ़िया से। तब यहाँ पर आपको निर्णय लेना होगा। और उसके लिए क्या होगा कि आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य है कि लड़के के जलाना है अपना दोस्त यार के, कि फलानवा के मिनारू तो बड़ी बढ़िया है, एकदम चलेंगे साथ, एकदम जोड़ी बना करके, तब तो आप इसके साथ जाइएगा। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है, परिवार को लेकर के चलना, घर में शांति चाहिए, तो आप कौन ऑप्शन के साथ जाइएगा, ए ऑप्शन के साथ जाइएगा। तो उसी तरह से क्या है कि यहाँ पर जब आपको निर्णय लेना है तो कई सारा चीज़ पर हम विचार करते हैं। और जो विचार करते हैं, उद्देश्य देखते हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म का आपको उद्देश्य क्या है। पहली बात क्या है कि जैसे यहाँ पर बात करते हैं, किसी का उद्देश्य रहता है कि हमको बिहार में जॉब करना है, जब भी करना है बिहार में जॉब करना है। तो बिहार में जॉब करना, जाहिर सी बात है कि आपको बिहार दरोगे में जाना चाहिए। किसी को कह जाए क्या कि पावर हमको चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि दरोगा में पावर रुतवा आपको दोनों मिल जाएगा। अगर दरोगा में नौकरी करते हैं तो पूरा एरिया जान जाएगा कि फलानवा का लड़का दरोगा है। लेकिन अगर दूसरा कोई जॉब कर रहे हैं तो कोई जानने वाला नहीं है, घर परिवार दो चार को जानता है कि फलानवा का लड़का नौकरी करते हैं। लेकिन दरोगा जी सौंसे गाँव जान जाता है। बहुत लोग आपसे संपर्क बनाने का प्रयास करता है कि दरोगा जी हैं, गाड़ी छोड़वा देंगे, ही छोड़वा देंगे, वही छोड़वा देंगे। तो अगर उस तरह का अगर आपका उद्देश्य है, उस तरह का आपको दिखाई दे रहा है, तब आपको जाहिर सी बात है दरोगा के साथ में जाना चाहिए। कुछ लोगों क्या होता है कि हमको शांति वाला जॉब चाहिए, ज़्यादा उदंड प्रवृत्ति के नहीं है, नॉर्मल एकदम शांत तरीके का लड़का है, उसको चाहिए कि भाई 9 से 5 हमको जॉब चाहिए। हालांकि आजकल कोई भी जॉब 9 से 5 नहीं होता, समय इधर उधर काम करना ही पड़ता। लेकिन समान तौर पर बोलते हैं क्या, कुछ लोगों को ऑफिशियल जॉब चाहिए कि बस अपना गए, काम से काम रखे, चले आए। तो वैसे लोग के लिए क्या है कि ई सेलेक्ट करना चाहिए कि हमको रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा सा अलग तरीके का है और साथ ही क्या है कि आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, तो आपको कहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए। अब उसी तरह से एक और चीज़ आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका तैयारी के यहाँ लेवल क्या है। अगर आपका क्या है कि देख रहे हैं कि फिजिकल बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि फिजिकल निकाल लेंगे और अच्छा फिजिकल कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में क्या है कि आपको दरोगा में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा संभावना दिखाई दे रहा है। अगर आपका क्या है कि फिजिकल बहुत ही कमजोर है और आपका रिटर्न अच्छा है, तो आपको यहाँ पर फिर जाना चाहिए, रेलवे एनटीपीसी में जाना चाहिए। चलिए आगे फिर क्या बताते हैं कि देखिए, जब हम निर्णय लेते हैं ना, तो कोई भी निर्णय जो होता है गलत तो सही नहीं होता है। वो निर्णय लेने के बाद क्या आपको और रिजल्ट प्राप्त होता है, उसके आधार पर फिर तय होता है कि आपका लिया गया निर्णय गलत है या सही है। जैसे आज आपने निर्णय लिया कि हमको रेलवे एनटीपीसी में नहीं जाना है, बिहार दरोगा में जाना है, और बिहार दरोगा हो गया,
तो सही हो गया, मतलब निर्णय आपका सही हो गया ना, डिसीजन सही हो गया। लेकिन क्या है कि बिहार द्रोह का मान लेकिन नहीं हुआ तब, फिजिकल में छट गए या कुछ और चीज़ में छट गए, मेरिट में छट गए, तब तो निर्णय आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब वही बता रहे हैं कि निर्णय लेने के बाद क्या मिलता है ना, उसके आधार पर तय होता है कि निर्णय आपका सही है गलत है। और एक और देखिए कि कोई भी निर्णय लेते हैं ना तो उसका कुछ फायदा होता है, कुछ नुकसान होता है। जैसे हमने भी निर्णय लिया था 2015 में, अच्छा खासा जॉब जहाँ से अच्छा खासा अर्निंग हो सकता था, महीने महीने फिक्स है कि भाई इतना पेमेंट आएगा, सीपीयू के थ्रू सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किए हुए थे, और उसके समय हमने जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। तो हम भी अलग अलग पहलू पर विचार किए होंगे, उसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो ऐसे भी आपको जो भी निर्णय ले रहे हैं ना, तो एक लिस्ट बनाइए कि इसका फायदा क्या है छोड़ने से, इसका नुकसान क्या क्या है। और उसके लिए क्या है कि आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे हमारा उद्देश्य क्या था कि हमको एजुकेशन लाइन में जाकर कुछ करना है, तो उसके आधार पर हमने निर्णय लिया। अब देखिए जब निर्णय लेते हैं ना तो उसका जिम्मेवारी भी आप ही का होगा। कई बार क्या होगा कि आपका निर्णय गलत भी हो सकता है, कई बार सही भी हो सकता है, क्योंकि उसके बाद आपका रिजल्ट क्या मिलता है उसके आधार पर तो तय होगा ना कि आपका निर्णय सही था या गलत। अगर हम जॉब छोड़ करके अगर 5 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं तब निर्णय क्या है, सही है। अब क्या है कि भाई जॉब छोड़ के अगर हम 10,000 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं तो हमारा निर्णय क्या है, गलत है। और एक और चीज़, एक आर्थिक जरूरत तो पूरा करना ही करना है। समाज सेवा करने के लिए भी क्या आपको आर्थिक जरूरत आपका पूरा होना चाहिए। आपका जब घर में शांति रहेगा ना तभी दूसरे घर में शांति की आप संभावना की तलाश कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब कोई भी आप निर्णय लीजिएगा ना तो उसका जिम्मेवारी 100% आप ही का होगा। कई बार आपका निर्णय सही भी हो जाएगा, कई बार गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी अगर गलत हो जाएगा तब उसके केस में क्या होता है कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा दोषी ठहराने लगते हैं। जो निर्णय लिए उस पर पछतावा तो होता ही है, बहुत ज़्यादा दोषी ठहराते हैं। और जब दोषी ठहराइएगा तो इसके लिए क्या हुआ कि आप पास्ट में रहिए, काश ये निर्णय नहीं लेते, काश ये निर्णय नहीं लेते, काश निर्णय नहीं लेते। अब इस अवस्था के बाद क्या होगा कि आप पास्ट में रहते रहते फिर डिप्रेशन की अवस्था में चले जाइएगा। और जब डिप्रेशन की अवस्था में चले जाइएगा तो हमेशा पीछे वाला बात सोच रहे हैं कि वहाँ से ये निर्णय ले लेना चाहिए था। तो वैसी अवस्था में क्या होगा कि फ्यूचर में जो आपको मौका मिल सकता है ना, उस सारे मौके का रास्ता क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस सब पहलू पर थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आपको क्या बताने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया क्या, देखिए यहाँ पर एंसर कोई भी जो होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, क्योंकि फाइनली सारे पहलुओं पर विचार करके आप ही को निर्णय लेना पड़ेगा। हम निर्णय नहीं लेंगे, हम आपको निर्णय लेने में सिर्फ मदद कर सकते हैं कि किस आधार पर कैसे कैसे आप निर्णय ले सकते हैं। तो इस वीडियो को हो सकता है एक बार देखे होंगे तो मे भी समझ में पूरा ना आए, लेकिन इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ना, और इस वीडियो में जो बताया जा रहा है ना इसके ऊपर सोचने का प्रयास कीजिए, इसके अनुसार जो बताया गया लिस्ट बनाने का प्रयास कीजिए, आपको निर्णय लेने में आसानी होगा।